जय श्री राधा, जय श्री राधे। आज राम कथा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हम सभी लोग कलश यात्रा के लिए तैयारी बना रहे हैं। वृंदावन गेस्ट हाउस जय श्री राधे। आज वृंदावन गेस्ट हाउस में हम सभी माताएं बहनें जो है कलश यात्रा की तैयारी के लिए बैठे हैं यहाँ पर। अभी और माताएं बहनें आ रही हैं, इधर ही कलश की तैयारी हो रही है। राम कथा 9 दिन का चलेगा। ठीक है, राधे राधे। सभी माताएं बहनें आज कलश यात्रा के लिए वृंदावन गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। राम कथा 9 दिन चलेगा। राधा रानी कृपा यूं बरसती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आग्रह करता हूं पुनः रचना शुक्ला जी, माला चतुर्वेदी, तुलसी दिवारी, आप हमारे माता द्विवेदी जी का अंग वस्त्र माल्यार्पण एवं स्मृति का सुंदर सा भाव नृत्य होगा। दफर में आईजी साहब का आगमन हो जाएगा, फिर उसके पश्चात अनु चौरसिया, अनन्या, आइए हम अपने आदरणीय अतिथि महोदय अनामिका चौधरी जी से निवेदन करेंगे कि आप दो शब्दों से आशीर्वाद प्रदान करें। वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित परम पूज्य महाराज अभिषेक कृष्णन जी, मंच को उपस्थित सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के संरक्षक बड़े भाई आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय संतोष तिवारी जी, संस्थान के प्रबंधक एवं सचिव आदरणीय कुंवर जी तिवारी जी, आप संचालन भी कर रहे हैं, और मंच पे उपस्थित बहन श्रीमती ममता जी, मंच पे उपस्थित श्री पवन तिवारी जी, और सामने उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जन जिनका आज सम्मान हुआ, अभिनंदन हुआ, और संस्था के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान जो बहुत अच्छा बहुत सुंदर कार्य कर रही है, चाहे वह गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात हो, चाहे गरीब वृद्ध महिला पुरुषों को वस्त्र देने की बात हो, भोजन देने की बात हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम
दीन दुखियों की सेवा के लिए यह संस्था हमेशा समर्पित रहती है। यह संस्था जिस प्रकार माँ गंगा के अविरलता निर्मलता स्वच्छता के लिए काम करती है, लोगों को जागरूक करती है, उसी तरह कहते हैं माँ गंगा जीवन दायिनी है। माँ गंगा का जल अमृत समान बना रहे उसके लिए यह लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसी प्रकार रक्तदान जो एक महादान है, जिस प्रकार आप मनुष्यों का जीवन बचाने का कार्य करते हैं वो बहुत पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य तो हो ही नहीं सकता। संस्थाएं तो अनेक हैं, काम कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं, पर अगर कहीं नाम आता है जो प्रमुख रूप से नंबर वन पर कि कोई संस्था अगर काम कर रही है शहर में तो वह है सामाजिक सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान। सभी
वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयन्त्रखिल शक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाने प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्रचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकी, वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। बहुत बहुत धन्यवाद इस परम नीत अवसर पे। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान का पंचम वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह, जिसमें अतिथियों में अग्रज भ्राता हमारे नागेंद्र भैया और तत्पश्चात आईजी साहब हमारे केपी सर और प्रोफेसर साहब और हमारी अग्रज बहन ममता जी, आप सबको ठाकुर जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तत्पश्चात हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के प्रबंधक सचिव श्री कुंवर जी तिवारी जी का, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर आप सबके सामने प्रस्तुत किया और ऐसी सेवा, ऐसा भाव, ऐसा कार्य निरंतर आपके जीवन में चलता रहे। और सेवा ही परमो धर्म है। लोग कहते हैं ना कि सरस्वती का दर्शन कहाँ होता है, तो आप लोग सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान में जुड़े और सरस्वती जी का वास्तविक दर्शन प्रयागराज में सेवा भाव करके आप लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवा, आप अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? कई बार अच्छा काम करते समय बर्बाद हो जाता है, अच्छा काम कर रहे हैं तो पूछने की क्या जरूरत है? इसमें माई बाप से, सास ससुर से, गुरु से, बड़े से पूछने की क्या जरूरत है? कोई गलत काम करने जा रहे हैं क्या? कथाई तो सुनने जा रहे हैं, मंदिर तो जा रहे हैं, तुलसी तो जा रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं, जमुना नहाने जा रहे हैं, कोई गलत काम करने जाए तो पूछे, इसमें क्या पूछना है? नहीं, अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, कोई काम करना है तो आदेश पे रहकर करना है। बड़े बुजुर्ग हैं, उनको उनको जानकारी में लेकर, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, उनके ऑनर में करना है, उनके आदेश में रहना है। ठाकुर सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा ग्रहण। एक दिन तो मोटा मोटा अर्थ हो गया, महीन अर्थ इसका यह है कि जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो ब्रह्मांडीय ऑर्डर है, जैसे अभी ठंडी आ रही है तो ठंडी के दिन में ठंडी का फल खाना है, ठंडी की सब्जी खानी है, ठंडी के समय गर्मी का फल नहीं खाना, गर्मी का, जैसे अभी ठंडी आ गई तो सेव संतरा आदि जो मिल रहा है बाजार वो खाना, अमरूद खाना, ये ऋतु, ये ऑर्डर से हुआ है। ऋतु फल भगवान को समर्पित करना है, ये नहीं कि आम ढूंढ करके बाजार में से आम ले आकर भगवान को चढ़ाना है और आम खाना है, ये गड़बड़ हो गया, ये सेवा नहीं है। साधु आप मेला में गए, माघ मेला लग रहा है, कुंभ मेला लगता है प्रयाग में, 25 में 24-25 में कुंभ मेला हो रहे, 24 की दिसंबर और 25 का जनवरी कुंभ मेला हो रहा। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। बोलिए श्यावर राम चंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका खत्म करके आए तो श्री जामवंत जी गए श्री राम महाप्रभु के पास, प्रभु की कृपा भयम सब काजू,
अजन्म हमारा सफल भयो। हे भगवान, जो भगवान ने किया उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जागृत जी कह रहे उसको सहस जीवा से स्नान भी नहीं कह सकते। प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि हे भगवान इनको भी रास्ता में लाइए।
आपको इसका छूट है बजाय कि आप अपने को अच्छा समझें। आपकी अच्छाई गुरु गोविंद की कृपा से श्री हनुमान जी की कृपा से श्री हनुमान जी कृपा कर सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम।